तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल शान सिद्दीकी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑल हेड और सिंगल हेड में मशीन कैसे चलाते हैं। ठीक है, अब सपोज़ जैसे मैं आपको पहले मशीन बेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने मशीन बेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डंडा मैंने पीछे को पकड़ रखा है और मैंने छोड़ दिया, अब ये मशीन पीछे को जा रही है। ठीक है, ये मैंने मशीन बेक कर दी। अब सपोज़ मान लीजिए इस वाले हेड में अल्टर हुई है, ठीक है। तो इस हेड को मैं रेड कर दूंगा। ये मैंने ऊपर को इसकी छटकनी दबा दी, ऊपर को तो रेड हो जाता है और बीच में जो है ग्रीन हो जाता है और सबसे नीचे बंद हो जाता है। तो मैं सबसे ऊपर वो कर दूंगा तो ये रेड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मॉनिटर के पास आऊँगा और अब मैं देखूंगा कि सिंगल हेड हो रहा है या ऑल हेड हो रहा है। सबसे पहले मैंने ये वाला बटन दबाना है, ये मैंने दबाया। उसके बाद 7 नंबर पे सेट मशीन पारस, अब मैंने एंटर करा, मैंने एक बार और एंटर करा, ठीक है। अब ये खुल गया है इस से 5 नंबर पे आ गया है सेट ऑल हेड्स। ये देख सकते हैं आप, सेट ऑल हेड्स, ये वाई हो रहा है। वाई का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप मशीन अल्टर होने पे मशीन को बेक करके चलाते हैं तो अगर जो वाई हो रहा है इसमें तो सारे हेड चलेंगे। उससे क्या होता है, किसी सारे हेडों पे डबल डबल काम बन जाता है, दिक्कत भी हो जाती है, गीठा भी लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको एन कर लेंगे, इसको आप एंटर करके, मैं इसे एन कर देता हूँ कि मैंने इसे इस वाले बटन से ऊपर वाले बटन से एन कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे बेक कर देता हूँ। एन करने पे क्या होगा, अगर आप मशीन को बेक करके चलाते हैं तो जिस हेड को आप रेड करेंगे, लाल करेंगे, सिर्फ वही हेड चलेगा। अब मैं मशीन को चलाता हूँ तो देखना आप, सिर्फ यही वाला हेड चलेगा जो लाल हो रहा है, ये वाला हेड, दूसरा हेड मैं लाल कर रखा है, सिर्फ यही वाला हेड चलेगा, इसके अलावा कोई और हेड नहीं चलेगा, ठीक है। उस वाले हेड की जमसेल लाइट ख़राब है, इसलिए वो गिर के चल रहा है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसकी, वो जमसेल लाइट डलेगी, उसमें जमसेल लाइट डल के फिर वो ठीक हो जाएगा, बाकी और कोई हेड नहीं चल रहा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑल हेड और सिंगल हेड किए जाते हैं। अब अगर जो मैं वापस से इसे ऑल हेड कर देता हूँ, मैंने ये वाला बटन दबाया, 7 नंबर पर सेट मशीन पारस पर गया मैं और एंटर मैंने दबाया, एक बार और एंटर दबाया, 5 नंबर पे ये आ गया हमारा सेट ऑल हेड्स। तो मैं इसे अगर वाई कर देता हूँ ना, ये मैंने वाई कर दिया, एंटर कर दिया और बेक कर दिया, ठीक है। अगर मैं वाई करके चलाता हूँ तो इसे अब चलेंगे सारे हेड। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि ऑल हेड्स और सिंगल हेड करके कैसे चलाते हैं। आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं कि अगर नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है कि अगर मशीन पूरा राउंड होने के बाद, होम सेट पे आने के बाद मशीन वापस चलती है, अपना आप ही शुरू हो जाती है बगैर डंडा मारे, तो उसकी सेटिंग कैसे ठीक करते हैं, अगली वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल से। अल्लाह हाफिज़।